इन छोटी सजाओं से कुछ नहीं होगा भयंकर परी। तो फिर क्या करूं? कैसे तोड़ूं इनकी हिम्मत? इनकी सबसे बड़ी ताकत है इनकी एकता। भयंकर परी, आपको पहले इन सबको अलग अलग करना होगा और फिर एक एक करके इन सबको अपने दल में शामिल करना होगा। तो ठीक है, इन्हें अलग अलग करने की शुरुआत मैं अभी से कर देती हूं। ओए, ऐसे कैसे हो गया? ओए, जरूर यहाँ पे कोई गड़बड़ चल रही है। कोई गड़बड़ है? हाँ, गड़बड़ है। तुम्हारी आंखों में उसकी जांच कराओ। ओ वकील साहब, मेरी आंखें एकदम दुरुस्त हैं। तो तुम्हारा दिमाग खराब होगा? और मेरा दिमाग भी बिल्कुल ठीक है। तो तुम्हारी जबान खराब होगी? दिखाओ। मैं नहीं दिखाता जबान। मैं कानून का रखवाला हूँ, मुझे जबान खुलवानी आती है। कैसे? ऐसे। कितनी गंदी जबान है तुम्हारी, झूठी झूठ लिखा इस पर। ओए, मैं ये सब मानता ही नहीं, और ऐसा हो ही नहीं सकता। और ये पेपर मैंने खुद चेक किए थे। अच्छा चलो, आपकी बात मान भी लें वकील साहब, तो इस पे तारीख क्या डली हुई है? 3 मई। और 3 मई मतलब आज। अगर आज तक इन्होंने मेरे को पैसे नहीं दिए ना, तो इनका मकान मेरा। पैसे ये दे नहीं पाएंगे, मकान मेरा। दिखा उसमें क्या लिखा है। दिखा दे मानवानी। पढ़ो पढ़ो। और वकील साहब, ये कागज देख के क्या हंस रहे हो? कागज देख के नहीं हंस रहा हूँ, मैं तुम्हें देख के हंस रहा हूँ। इसमें साफ साफ लिखा है कि आखिरी तारीख 3 मई 2015। यानी इनके पास अब पूरा 1 साल है तुम्हारा पैसा वापस करने का, और तब तक तुम इनसे इनका घर नहीं छीन सकते। ओए, एक मिनट। ओए, मेरे को गड़बड़ लग रही है। इस सब में तुम्हारी कोई ना कोई चाल है। ओ वकील साहब, आप मेरे को वकील साहब कम जादूगर ज्यादा लग रहे हो। ओए, इनका घर छीनने से मेरे को कोई नहीं रोक सकता। हम रोकेंगे। ओ इंस्पेक्टर साहब, आपको किसने बुला लिया? इन्होंने कंप्लेंट नहीं लिखवाई, मगर हमारी नजर तुम पे थी हैप्पी सिंह। पर देखो इंस्पेक्टर साहब। देखो तुम हैप्पी सिंह, क्योंकि हमने सब कुछ देख लिया है। अगर पेपर पे सब कुछ लिखा हुआ है तो तुम इन्हें इनके घर से नहीं निकाल सकते। लेकिन आप इन्हें यहाँ से जरूर निकाल सकते हैं। वो तेरी हो हैप्पी सिंह। इंस्पेक्टर साहब, मैं तो मजाक कर रहा था। ओ भाई साहब, मेरे से गलती हो गई। ये सामान आप अपने आप अंदर रख लेना। ओए मानवानी, ओ चलो यहाँ से, चल निकल बराबर। ओए चलो, मैं तुम्हें जरा पुलिस चौकी छोड़ देता हूँ। नहीं नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं भाई साहब, चले जाएंगे अपने आप। चलो चलो चलो। अरे मैं कानून का रखवाला हूँ। स्मिता, बाबूजी, अब हम अपने घर में ही रहेंगे। अब पूरा परिवार फिर से इस घर में खुशी से रहेगा। ये! देवा, तुमने शांता के बारे में जो किया उसके लिए शुक्रिया। अरे मैंने जो भी किया वो सिर्फ अपने आई के लिए किया। तुम सचमुच बहुत अच्छे बच्चे हो देवा। तुम्हारा परिवार जहां भी होगा
उसे तुम पर हमेशा गर्व होगा। पर मैं कौन हूं और मेरा परिवार कहां है, ये मैं कैसे पता लगाऊं? तो मैंने कहा था ना तुमसे कि यहां वापस मत आना। आया नहीं मैं इस बार अकेला, बल्कि है मेरे साथ कोई और भी। नटकट परी, नटकट परी। बालवीर, नटकट परी बताइए इसे कि है ये बालवीर। देखो पहले तुम डुबा डुबाए, हाँ, और अब ये नटखट परी। मैं परीलोक और परियों में विश्वास नहीं रखता। अच्छा तो ये लो। और ये भी। बालवीर, अब बोलो, अब तो विश्वास हुआ कि मैं एक परी हूं? हाँ, मुझे विश्वास हो गया कि आप एक परी है, पर मैं आपका बालवीर नहीं हूं। अगर ऐसा है तो तुम्हारे अंदर ये असाधारण शक्तियां कहां से आई? वो मैं नहीं जानता, लेकिन मैं जानती हूँ और अब तुम भी जान जाओगे कि तुम बालवीर हो। लेकिन क्यों? बालवीर तुम सुन क्यों नहीं रहे हो? चलो आओ। अरे आज से तुम लोग यहाँ नहीं खेलोगे, समझे? पर क्यों? क्योंकि ये जयवीर की इच्छा है। आज से पृथ्वी लोक पे बच्चों का खेलना मना। तुम लोग ऐसे नहीं मानो, देखो मैं क्या करूं। ये मेरा बेटा है। ये जयवीर यहाँ कैसे आया? जयवीर कौन है? हमारा तुम्हारा परीलोक का और बच्चों का दुश्मन, भयंकर परी का है ये साथी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। अब परीलोक, ये समय कुछ समझाने का नहीं है बालवीर। मैं तुम्हारे सारे प्रश्नों के उत्तर दूंगी, लेकिन इस समय तुम यहाँ से चले जाओ। मैं चला जाऊँ? वो मेरे दोस्तों को परेशान कर रहा है और मैं यहाँ से चले जाऊँ? मैं कायर नहीं हूँ। मैं जानती हूँ बालवीर, तुम कायर नहीं बल्कि एक शूरवीर, लेकिन इस समय मैं तुम्हें सिर्फ इतना समझा सकती हूँ कि अगर इस जयवीर ने तुम्हें देख लिया या पहचान लिया कि तुम बालवीर हो, तो पूरे परिलोक पे विनाश के बादल छा जाएंगे। लेकिन बालवीर, तुम्हारे दोस्तों की परवाह मत करो, उनकी रक्षा के लिए मैं यहाँ पर हूँ। इस समय तुम्हारा यहाँ से जाना ही अच्छा होगा। तो बड़ू भाई समझाओ इसे। बालवीर, देखना भाई, जयवीर तुम्हें सही होगा कि तुम यहाँ से जाओ। और हाँ बालवीर, हाँ, किसी भी हाल में तुम जयवीर के सामने मत जाना, चाहे जो भी हो जाए। लेकिन जाओ बालवीर, जाओ। अब जाओ यहाँ से, दोबारा मत आना वरना बहुत मारूंगा। मुझे यहाँ मेरे किसी दुश्मन के होने का संदेह क्यों हो रहा है? बुराई अच्छाई के सामने अपने घुटने दे टेक, गायब हो जाए मैं और डूबा डूबा एक। बालवीर, वो बालवीर जैसा क्यों लग रहा है?
बालवीर यहाँ कैसे हो सकता है? और वो बच्चा भाग क्यों रहा है? कुछ तो गड़बड़ है, मुझे जाके देखना चाहिए। मैं परिलोक और परियों में विश्वास नहीं रखता। अगर ऐसा है तो तुम्हारे पास इतनी असाधारण शक्तियाँ कहाँ से आई? कैसे यहाँ कैसे आए? हमारा तुम्हारा परिलोक और परियों में विश्वास नहीं रखता। अगर ऐसा है तो तुम्हारे पास इतनी असाधारण शक्तियां कहां से आई? क्यों सुनाई दे रही है मुझे आवाजें? क्यों? मामूली बच्चा जयवीर का क्या बिगाड़ सकता है? तुम्हारा जन्म एक खास कारण से हुआ है। तुम्हें पृथ्वी लोक में जाकर बच्चों की और भले लोगों की रक्षा करनी, पृथ्वी पे भलाई कायम रखनी और भयंकर परी के बुरे इरादों से पृथ्वी लोक की रक्षा करनी। चलो अंत भला तो सब भला। आज पहली बार हैप्पी के जाने से हम हैप्पी हुए। और पापा ये सब कुछ उस वकील अंकल की वजह से हुआ है। अरे हाँ महेश, हमें उस वकील को थैंक यू बोलना चाहिए। मुझे उसका नंबर दीजिए ना, आप भी फोन करते। मिता, अरे वो नंबर मेरे पास नहीं है, उसे तो बापूजी ने बुलाया था। बापूजी के पास होगा। बापूजी, ए, मेरे पास उसका नंबर नहीं है, मैंने उसे नहीं बुलाया। मुझे तो लगा तूने बुलाया है। मैंने नहीं बुलाया, मुझे लगा आपने बुलाया है। एक मिनट, तो वो था कौन जो चुपचाप हमारी मदद करके चला गया? जरूर कोई भला आदमी होगा, भला काम करके चला गया। पापा, ये बल्लू किसका भला करने चला गया? बेटा अपने चाचा के यहाँ गया होगा, यहाँ जो जो कुछ हुआ ना वो बताने गया होगा, है ना? ब्रह्मास्मिता, इस बात पर खीर तो बनती है। तुम ठीक तो हो ना बाल? मेरा मतलब है देवा, तुम ठीक तो हो? देवा नहीं, बाली। हाँ नटखट परी, मुझे सब याद आ गया है।
तितली बिटली आ गई तितली। बालवीर मेरा मित्र बालवीर। हाँ क्या तुम्हें सब कुछ याद? खुश रहो नटखट परी, खुश रहो, खुश रहो डुबा डुबाई, खुश रहो, खुश रहो बालवीर, खुश रहो बालवीर। शुक्रिया तुम्हें सब याद आ गया। हाँ नटखट परी, लेकिन अब बारी है भयंकर परी और जयवीर को उनकी गलतियां याद दिलाने की। अब मिल जाएगी परीलोक को फिर से आजादी उस भयंकर परी के बुराई के रास से। लेकिन उसके लिए तुम्हें तुम्हारा रूप वापस मिलना चाहिए। शुक्रिया नटखट परी। भयंकर परी अब तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा पाएगा क्योंकि अब मैं तुम्हारा अंत करूंगा और तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे प्यादे जयवीर का भी। आई? हाँ देवा। कौन हो तुम बेटा? आई मैं बालवीर तेरा बेटा। नहीं नहीं तू मेरे बेटे देवा का दोस्त है ना? देवा कहाँ है? आई मैं तेरा ही बेटा हूँ देवा। ये देवा ही है शांता। लेकिन देवा से पहले ये बालवीर है। जैसे तू उसकी अपनी है वैसे ये सारी दुनिया उसकी अपनी है। दुनिया का हर एक बच्चा इसका दोस्त है। और चाहे मैं इस दुनिया के लिए बालवीर लेकिन तेरे लिए तेरा देवा। और तू मेरी आई जिसने मुझे बहुत प्यार दिया है और अब जाने से पहले मुझे तेरे आशीर्वाद की जरूरत है ताकि मैं बुराई का अंत कर सकूं। मतलब तू सचमुच जाएगा देवा? लेकिन अगर तू मुझे अपनी आई मानता है तो क्यों अपनी आई को छोड़ के जा रहा है? क्योंकि इसकी दुनिया बहुत बड़ी है शांता और जिम्मेदारियां तो उससे भी बड़ी। पर तेरे लिए इसका प्यार एकदम सच्चा है शांता। इसलिए देख वो चाहता तो हमसे बिना कुछ कहे भी जा सकता था लेकिन वो तेरा आशीर्वाद लेने के लिए रुका है, तुझसे आज्ञा लेने के लिए रुका है। अब तू भी उसे रोक मत। हाय हाय चलता हूं। बालवीर चलिए नटखट परी परीलोक चलते हैं। नहीं बालवीर भयंकर परी ने परीलोक के चारों तरफ सुरक्षा कवच लगा रखा है। हम इतनी आसानी से परीलोक में प्रवेश नहीं कर सकते। तो फिर करेगा कैसे बालवीर भयंकर परी का अंत? बचाएगा कैसे परीलोक को उससे? हम परीलोक जरूर जाएंगे नटखट परी। कैसे बालवीर? हम जल के रास्ते यहाँ आए थे तो जल के रास्ते से ही हम वापस परीलोक जाएंगे। चलिए नटखट परी पहले मैं जाता हूँ फिर आप आइएगा। ठीक है बालवीर। We'll be right back.
भयंकर परी ने तो पूरे परीलोक में बुराई का अंधेरा फैला दिया, लेकिन अब मैं आ गया और मैं इस बुराई की हवा को ज्यादा देर तक परीलोक में रहने नहीं दूंगा। हाँ बाली, लेकिन उसके लिए सबसे पहले हमें परियों को आजाद करवाना होगा। न जाने परीलोक से बाहर निकलने की कोशिश करने के लिए भयंकर परी ने उन्हें क्या सजा दी होगी, जाने किस हाल में होंगी वो। हमें परियों को ढूंढना होगा। चलिए। तुम सबकी भलाई इसी में है कि तुम मुझे अपनी रानी परी मानकर मेरी गुलामी स्वीकार कर लो। मैं तुम सबको आजाद कर दूंगी। भयंकर परी, तुम्हें रानी परी मानने से तो अच्छा है कि हम हमेशा हमेशा के लिए इसी कैद में रहे। कैद तो तुम्हारे लिए बहुत छोटी सजा है बाल परी, असली दर्द तो तुम्हें तब होगा जब मैं तुम्हारी प्यारी परियों को तुम्हारे सामने चोट पहुंचाऊंगी। पृथ्वी लोक में बच्चों को परेशान करूंगी और उन सबको बुराई का सिपाही बना दूंगी। मेरे होते हुए तुम कभी ऐसा नहीं कर पाओगी भयंकर परी। नहीं बाल, अभी तुम्हारे पास तुम्हारी शक्तियां नहीं है, क्योंकि तुम्हारा जादुई दंड जयवीर के पास है, इसलिए तुम ज्यादा देर तक भयंकर परी का मुकाबला नहीं कर पाओगे। तो फिर मैं क्या करूं नटखट परी, ऐसे ही माँ और परियों पे होता हुआ अत्याचार देखता रहूं? नहीं, तुम भयंकर परी से जरूर लड़ोगे और उसे उसके हर गुनाह की सजा दोगे, लेकिन उससे पहले तुम्हें रानी परी को पावन नदी से आजाद कराना होगा। ये लो बालवीर, इसे आपने हाथ में पहने, इससे निकलने वाली तेज किरणें तुम्हें रानी परी को आजाद कराने में मदद करेंगी। इसकी किरणें पड़ते ही वो सीप खुल जाएगा जिसमें रानी परी कैद है। लेकिन नटखट परी, लगेगा इसमें काफी समय, और इस बीच अगर हो गई भयंकर परी सावधान तो पहुंच जाएगी वो बालवीर तक। नहीं डूबा डुबाएगा, जब तक बालवीर रानी परी को लेकर आता है तब तक मैं यहाँ भयंकर परी को उलझा कर रखूंगी। ठीक है नटखट परी, लेकिन जब तक मैं नहीं लौटता आप माँ और परियों का ख्याल रखिएगा। हाँ बालवीर, जाओ हमारी रानी परी को लेकर आओ। भयंकर परी, हम तो कहते हैं कि तुम रानी परी को आजाद करके उनसे माफी मांग लो, हो सकता है कि वो तुम्हें माफ कर दे। माफी? भयंकर परी किसी से माफी नहीं मांगती, भयंकर परी सिर्फ सजा देती है। अच्छा, तो यही है वो सीप जिसमें रानी परी को कैद किया गया है। मैं अभी इस सीप को खोल के रानी परी को आजाद करता हूं। सिप तो खुल ही नहीं रहा,
और अब मैं क्या करूं? रानी परी को कैसे आजाद करूं? अरे हाँ, मेरे पास नटखट परी का दिया हुआ जादुई कड़ा है ना, मुझे लगा था तुम समझदार हो नटखट परी, पर तुम तो बेवकूफ निकली। ये परीलोक में बिजली कहां से कड़कने लगी है? कहीं कोई रानी परी के पास तो नहीं पहुंच गया है? क्यों भयंकर परी, सिर्फ बिजली कड़कने से डर गई तुम? अभी तो सिर्फ बिजली कड़की है, तूफान आना तो अभी बाकी है, क्योंकि मैं जो आ गई हूं परीलोक में तुम्हारा अंत बनकर। तुम एक मामूली परी करोगी भयंकर परी का अंत? अच्छा मजाक है, पर भयंकर परी मजाक नहीं करती। किरने निकलना बंद क्यों हो गई? लगता है जल में होने की वजह से यह अस्त्र बिगड़ गया। पर मैं सीप को कैसे खोलूं? रानी परी को कैसे आजाद करूं? कैसे? तुम मेरे वार से कैसे बच गई नटखट परी? कैसे? अरे हो गए आपके वार बेकार शायद, और क्या? तबा तबा। वैसे हैरान हो गई भयंकर परी, वार करो मुझ पर, करो। दो दो नटखट परी है? भयंकर परी, हमारी सृष्टि में एक चींटी को भी मामूली नहीं माना जाता, फिर मैं तो एक परी हूं, मैं मामूली नहीं हूं। क्या लगता है भयंकर परी, सिर्फ तुम ही खेल खेल सकती हो? नहीं भयंकर परी, खेल हम भी खेल सकते हैं। गलत, भयंकर खेल खेलती भी है और उन्हें जीतती भी है। परी भयंकर, क्या हुआ भयंकर परी, थक गई या तुम्हारे पास वार खत्म हो गए? वो क्या है ना, तुम जितने वार करोगी मैं उतने ही रूप लूंगी। बेचारी भयंकर परी, तुम जितने रूप लोगी मैं तुम्हारे उतने ही रूप खत्म करूंगी। मेरी जादुई शक्तियां मेरा साथ छोड़ सकती है, लेकिन मेरी हिम्मत, मेरी ताकत,
मेरा साथ कभी नहीं छोड़ेगी। देखकर लग रहा है भयंकर परी कि तुमने अपनी हार मान ली है, इसलिए जल्द से जल्द सारी परियों को आजाद कर दो। बस बहुत खेल खेल लिया तुमने नटखट परी, अब ये परियां आजाद नहीं होंगी बल्कि तुम भी कैद हो जाओगी। क्या तुम मुझे कैद करोगी भयंकर परी? लेकिन कैसे और मेरे कौन से रूप को कैद करोगी? इसे मुझे इसे, उसे क्या उसे किसे कैद करोगी? इस खेल की पहली चाल तुमने चली है, लेकिन इस खेल को अपनी आखिरी चाल से भयंकर परी खत्म करेगी। तुम भले ही मेरे कहने पर अपने असली रूप में सामने ना आओ, पर अपनी प्यारी परियों को बचाने के लिए तो सामने आओगी ना। नटखट परी, क्या तुम सामने आओगी या फिर इसी तरह अपनी प्यारी परियों को दर्द से तड़पते हुए देखती रहोगी? नहीं नटखट परी, अब हमारी चिंता मत कीजिए, आप इस भयंकर परी के सामने मत आइएगा। हाँ नटखट परी, आप जाइए यहाँ से। वाह नटखट परी, लगता है कि ये परियां ही तुमसे ज्यादा प्यार करती हैं और तुम सिर्फ अपने आप से प्यार करती हो। धुएं को रोक दो भयंकर परी, मैं तुम्हारे सामने आने के लिए तैयार हूं। मैं जानती हूँ कि तुम सब परियां मुझे अपनी रानी परी कभी नहीं मानोगी, इसीलिए तुम परियों को भयंकर परी के इस बुराई के परिलोक में रहने का भी कोई अधिकार नहीं है। मैं अभी तुम सबको हमेशा हमेशा के लिए सर्वदा कैद खाने में कैद कर दूंगी। लेकिन अचानक ये तूफान कहां से आ गया परिलोक में?
रानी परी, खुश रहो। खुश रहो बालवीर, खुश रहो। परिलोक में रोशनी कैसे फैल रही है भयंकर परी, कैसे? वही तो मैं भी नहीं समझ पा रही हूँ जयवीर, इस रोशनी का मतलब क्या है? मतलब बालवीर ने रानी परी को आजाद करा लिया। 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 क्या? रानी परी? बालवीर? नटकर परी, आपको बालवीर मिल गया और उसने उसने रानी परी को भी छुड़ा लिया। बालवीर कैसे कर सकता है? बालवीर तो जीवित है, जीवित है, जीवित है। हाँ भयंकर परी, अब तुम्हारा खेल खत्म। हाँ, तुम्हारे सिवाय सब जानते हैं कि बालवीर जीवित है। अब जब बालवीर जीवित है तो तुम सबका अंत तय है। नहीं, बालवीर दोबारा जीवित नहीं हो सकता। भयंकर परी के बाहर से वो नहीं बच सकता। 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 अच्छाई और सच्चाई को मिटाना तुम्हारे बस की बात नहीं है भयंकर परी, और बालवीर तो सच्चाई और अच्छाई का प्रतीक है, तो फिर उसे कैसे मिटाया जा सकता है? मगर तुम तो उस उबलते हुए पारे की नदी में गिर गए थे ना, तो फिर बचे कैसे? मुझे पहले से ही जयवीर पे थोड़ा संदेह था, इसलिए उस नदी के पार जाने से पहले ही मैंने अमृत रस पी लिया था, जिससे मैं उस पारे के नदी में गिरने के बाद भी जला नहीं और बच गया। तुम उस समय तो बच गए बालवीर, लेकिन इस बार हमारे वार से नहीं बच पाओगे। तुम्हें अपना माना, लेकिन तुमने हमारे साथ ही विश्वासघात किया, और इस विश्वासघात की आज बालवीर तुम्हें सजा देगा।
रानी परी और बालवीर का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। चलो तबा तबा। आप भागो परी भयंकर, यहाँ से भागो। जय वीर, चलो तो। चलो बाल परी, हम आपके बालों की जादुई शक्तियाँ आपको वापस करते हैं। खुश रहो रानी परी, खुश रहो। खुश रहो परियों, खुश रहो।